लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला हुआ है। नगर निगम के कर्मचारियों के पटरी दुकानदारों ने जमकर पीटा है। टैक्स इंस्पेक्टर आरएस कुशवाहा को कपड़े फाड़ दिए गए, साथ ही उनको दौड़ा दौड़ा कर भी पीटा गया। तमाम नगर निगम के कर्मचारी हैं जो इस वक्त थाने पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था। सर, हमारे नगर निगम की अतिक्रमण टीम जो हमारी भूतनाथ की पार्किंग है, पार्किंग के अंदर कुछ अवैध दुकानें लगी हैं, उनको हटाने के लिए गई थी। बट वहां पे कम से कम नहीं तो 150-200 का मॉब सारा इकट्ठा हो गया और इन लोगों को घेर लिया। हमारे रामसागर कुशवाहा साहब कर अधीक्षक, हमारी जो अतिक्रमण टीम के जो राजेश यादव, रंजेश, इन सबको दौड़ा दौड़ा के बहुत मारा। कपड़े फट गए, खून से लथपथ हो गए। पूरे जो बचाने एक पब्लिक आई थी, वहां का एक दुकानदार था, उसको भी मारा। कौन कौन लोग थे जो इस जो जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, आप लोगों पर? वो एक मॉब था, हम लोग तो विभाग में थे, कार्यालय में थे, जब हम लोग को पता चला तो हम लोग आए। बाकी अंदर FIR में तहरीर लिखी जा रही है। मॉब बन गए थे जो दुकानें रोड, जो लोग अतिक्रमण किए थे उन्होंने ही हमला किया। उन्होंने ही पहले नगर निगम अधिकारियों के ऊपर हमला किया, जो बच्चे कुछ लोग पब्लिक जा रही थे उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया। तो अब क्या FIR दर्ज कराने के लिए इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों है भाई? जो मारे गए लोग तो उनके भी तो जानने वाले आएंगे, वो भी तो लिखाएंगे कि क्या है, क्यों हुआ। पब्लिक चलते फिरते कोई मारेगा पब्लिक को? नगर निगम के जो कर्मचारी रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग बना रहे थे, उनके मोबाइल वोबाइल भी खींच लिया। मारने की धमकी, जान से मारने तक की धमकी दी। अभी भी अतिक्रमण सब है, वहाँ पे लगा हुआ है, कोई कुछ हटा नहीं है। पुलिस नहीं पहुंची, बगल में चौकी सटी हुई चौकी है, लेकिन उससे एक भी पुलिस कर्मचारी, चौकी इंचार्ज कोई भी नहीं निकला। एक घंटे तक बंधक थे लोग। अब हम न्याय चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी मारा गया, अगर ऐसे में हम लोग कैसे कार्य करेंगे, हम कैसे कार्य करेंगे अपना, जब हमारी अपनी सुरक्षा नहीं है कोई भी। नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए और जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उसको पूरा करने पहुंचे थे, अतिक्रमण को हटाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मौजूद 150-200 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और यहां तक कि उनके जो टैक्स अधीक्षक हैं उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।